हाँ जी, वेलकम टू माय मैथ्स क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने 11.1 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी और इसके 1 to 9 क्वेश्चंस डिस्कस भी किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 and 6, 5 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y इज इक्वल टू 16। क्या गिवन है आपको कि एक सर्कल है, देखिए उसके दो पासिंग पॉइंट दिए हैं जो कि मैंने यहाँ पर इंडिकेट किए हैं। यहाँ पर सर्कल की बाउंड्री जो है, ये देखिए सर्कल जो है इन दो पॉइंट से पास कर रहा है 4, 1 and 6, 5 से, और सर्कल का जो सेंटर है, हमने सेंटर सपोज किया है इसका कि वो है एच के, एंड दैट सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x + y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखते हैं, चलिए क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल लिखा है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इसमें लिखा है। अब इसके बाद आप देखिए कि अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल वी हैव got. As per the question, it is given that this circle passes through the point 4, 1. ये देखिए, ये 4, 1 से पास कर रहा है, ये सर्कल आपका पॉइंट 4, 1 से पास कर रहा है, तो आपका ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल आया, इक्वेशन नंबर 1, वो इस, ये जो पॉइंट है 4, 1, वो इस सर्कल की बाउंड्री पर है, तो इसका मतलब ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह 4 और y की जगह 1 यहाँ पूरी इक्वेशन में हम पुट करके विल गेट इट। ठीक है, आपके पास इसमें h एंड k एंड r में ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, लेकिन आपको एक और चीज भी बोली है कि आपका जो सर्कल है वो 0.65 से भी पास करता है, वो सिर्फ 4, 1 से नहीं पास करता, इट पासेस थ्रू द 0.65 आल्सो, देयरफॉर 0.65 विल आल्सो सेटिस्फाई दिस, this 0.65 will satisfy again this equation. तो आप अब x की जगह यहाँ इस equation में 6 और y की जगह आप क्या put करेंगे, 5 put करेंगे। तो उसको put करने के बाद आपके पास एक और equation number 3 आ जाएगी। ठीक है जी, देखते हैं। अब हमारे पास equation number 3 आ गई। अब हमारी तो equation number 2 and 3 है, ये आप देखिए, ये दोनों equations h स्क्वायर के स्क्वायर एच के एंड आर इसमें आए हैं दोनों, तो वी विल सब्ट्रैक्ट दिस टू। जब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एच स्क्वायर के स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल बी कैंसिल्ड एंड वी विल लेफ्ट द लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एच एंड के ओनली। ठीक है, वो हमें मिली, लेकिन हमें एक चीज और दी है क्वेश्चन में। देखिए जरा यहाँ फिगर से क्लियर होता है कि ये जो आपका सेंटर है एच के, ये जो सेंटर है एच के, आप देखिए यहाँ पर दैट लाइज ऑन दिस लाइन 4x + y इज इक्वल टू 16, यानी कि ये पॉइंट एच के इसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह हम एच और वाई की जगह के लिख सकते हैं, तो ये 4h + k इज इक्वल टू 16 आपके पास आ जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद आपने एक और इक्वेशन एच और के में ऑप्टेन कर ली। एक तो ये इन दोनों को माइनस करके आई है ना, और एक तो इन दोनों को माइनस करके आई है और एक ये सेंटर की वजह से आ गई, ये सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4 and इक्वेशन नंबर 5। नाउ विल सिंप्लीफाई दिस टू बाय एलिमिनेशन मेथड टू गेट द वैल्यूज ऑफ एच के। तो एच के की वैल्यू आते ही आपके पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। तो वो क्या आएगा जरा देखते हैं। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूं इक्वेशन 4 को, 4h + 8k इज इक्वल टू 44, और दूसरी इक्वेशन है 4h + k इज इक्वल टू 16, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 7k इज इक्वल टू, दिस इज 28k, आपके पास 4 आ गया। k की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 4h + 4 इज इक्वल टू 16, यानी कि आपके पास 4h इज इक्वल टू 12, तो h कितना आ गया आपके पास 3, तो सेंटर आ गया। इसका मतलब आपके पास सेंटर होता है, आपने लिया था h के, जो कि आपके पास आ गया है 3, 4,
when center is obtained, center आने के बाद आपको radius निकालना है, है ना। अब आपको ये point आपको पता चल गया है, 3, 4 है और दो points जो थे आपको सर्कल के ऊपर दिए थे, एक तो 6, 5 दिया हुआ था, है ना, एक और पॉइंट दिया हुआ था, तो आप x की जगह 6 और y की जगह 5 और ये टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से r निकाल लीजिए, r भी आपके पास आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कीजिए कि ये जो एच के की वैल्यू आई है किसी भी एक इक्वेशन में ऊपर पुट कर दीजिए, एच और के वाली, ये देखिए ये एच और के में आपकी इक्वेशन थी ना 3 और 4, यहाँ 2 और 3 सॉरी, या तो 2 में पुट कर दो या 3 में पुट कर दो, इवन देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ r। लेकिन यहां से अगर आप पुट करना चाहें तो देखिए r कितना आया है, r की वैल्यू 6 माइनस 3 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, 5 माइनस 4 यानी 1 स्क्वायर, या आ गया रूट 10, ठीक है। तो अब आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x माइनस h होल स्क्वायर यानी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर यानी y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 10 का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल जो नंबर 1 थी आपके पास, नंबर 1 क्या है चलिए देखते हैं, नंबर 1 आपके पास क्या थी इक्वेशन, उसमें h k और r की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। यहां पर h की वैल्यू 4, y की वैल्यू k की वैल्यू 3 एंड r की वैल्यू √10 आप यहां पुट कर दीजिए, इवन देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ, यू कैन गेट द इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। हां जी देखिए ये यहां सिंपलीफाई भी करके दिखाया है, h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू, h की वैल्यू 3, k की वैल्यू 4 आई, फिर उसके बाद रेडियस निकाला हमने 3, 4 से, वहां मैंने 6, 5 से निकाला था, यहाँ 3, 4 से, किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं बिकॉज बोथ द पॉइंट्स लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये आपकी आ गई है, ठीक है जी। हाँ जी देखिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन 11 है वो सेम है, आपको उसको खुद अपने आप ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम है वो क्वेश्चन, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद दिस रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। फिगर देखिए मैंने बनाई है, सेंटर बिकॉज इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होता है, इसका मतलब सेंटर में एच के में ये जो के है वो जीरो हो गया, क्योंकि सेंटर आपका वाई एक्स एक्सिस पर लाई करता है जहां पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और ये इसने बोला दिस सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 2, 3, तो ये पासिंग पॉइंट बाउंड्री पर लाई करता है, ठीक है। तो ये आप इसमें इसका रेडियस 5 यूनिट दिया हुआ है, यानी कि ये 5 यूनिट है, यहाँ पर जो सीपी है वो 5 यूनिट है, ठीक है। तो अब आपका मेन जो टारगेट है वो आपको एच निकालना है, क्योंकि देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए दो चीजें चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। रेडियस वी नो दैट इज 5 यूनिट्स, अब हमें सेंटर निकालना रह गया, उसमें भी एक कोऑर्डिनेट वी नो दैट इज 0, तो एच निकालना है। तो कोई बात नहीं, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज करके हम कर लेते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास सीपी इज इक्वल टू 5 है, सीपी इज इक्वल टू 5 है। आप इसको ऐसे करके करना चाहें, देखिए इसमें जिस मेथड से किया हुआ है उस मेथड से करना चाहे, या फिर मैं आपको दूसरे मेथड से करवाती हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए सीपी आपका रूट 5 की बना है, क्योंकि आपको ये रेडियस 5 यूनिट दिया है। अब सीपी अगर आप निकालने बैठे तो आपके पास क्या आएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर टू पॉइंट फॉर्म से एंड 3 माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रूट 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये आ गया 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 5 का स्क्वायर आ गया 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 9, 13 हो गया, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आ गया h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो अब इसके बाद आप इसको, ये भी आपकी जो लास्ट इक्वेशन यहां मैंने की है वहां पर भी यही बना होगा, देखिए ये 25 था, एक मिनट सॉरी, यहां मैंने इसको 5 था, 5 को मैंने रूट 5 कर दिया, सॉरी यहाँ 5 था, सॉरी ये 5 था, रेडियस 5 था इसका C।
सी पी फाइव था, तो ये फाइव का स्क्वायर आएगा। फाइव का जब स्क्वायर करेंगे, फाइव का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा आपके पास। ये 25 है और यहां पर ये 12 आ गया। एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं, तो ये आपके पास 12 आया है, माइनस 12 आया, बल्कि दिस इज माइनस 12। ठीक है, तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू जीरो। तो h माइनस 6 प्लस 2h माइनस 6 इक्वल टू जीरो। तो इससे आपके पास h की वैल्यू माइनस 2 एंड h की वैल्यू 6 आ गई। तो आपके पास जो सेंटर बना, तो सेंटर की दो वैल्यू आ गई, h जीरो है तो या तो माइनस 2.0 है या फिर 6.0, दो सेंटर पॉसिबल है। ठीक है जी, तो आप इसके बाद नीचे देखते हैं कैसे किया है। ये देखिए 6 एंड माइनस 2 दो वैल्यूज आ गई हैं। अब आपको इसमें निकालना क्या था, इसमें आपको निकालना था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको पता है क्या होती है, दो इक्वेशंस बनेंगी, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो आपका एक बारी h माइनस 2 है और k 0 है, और दूसरी टाइम h 6 है और k 0 है, और r की वैल्यू तो 5 है। इन बोथ द केसेस यू विल राइट, यू विल फाइंड टू इक्वेशंस ऑफ द सर्कल्स विद टू सेंटर्स विद एंड सेम रेडियस। डू इट कंप्लीट योरसेल्फ। हाँ जी, देखिए ये दोनों इक्वेशंस लिखी हुई हैं, वेरीफाई कर लीजिए आप आंसर। एक बार h2 k0, एक बार h6 k0 लेकर ये दो इक्वेशंस ऑफ सर्कल बनाई हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 00। पासिंग पॉइंट 00 है, सेंटर 00 नहीं है, टेक केयर। पासिंग पॉइंट इज 00 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट्स मतलब जहां ये कट कर रहा है x एक्सिस को वो a, एंड जहां कट कर रहा है y एक्सिस को वो b है। तो ये देखिए फिगर क्लियर हो गई होगी आपको, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो हमने ये सर्कल बना लिया यहां पर। अब ये जो पॉइंट a आया, बिकॉज x इंटरसेप्ट a था, तो a पॉइंट a कॉमा 0 एंड y इंटरसेप्ट आपका b दिया हुआ है, तो b पॉइंट 0 कॉमा b हो गया एंड दिस पॉइंट 00 इज आल्सो पासिंग। अब हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री होता है, जहां वेयर देयर x एक्सिस एंड y एक्सिस इंटरसेक्ट, इट मींस दिस इज 90 डिग्री। अच्छा, एक चीज आपको और पता है जो कि आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एंड व्हाट इज दैट, उसके अकॉर्डिंगली अगर ये डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो वो डायमीटर पर के एंड पॉइंट से अगर आप एंगल बनाते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पर ऑन एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यहाँ बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए, कहीं भी अगर आपने एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर लिया है, देन दिस इज 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर, सॉरी एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है जी, तो अब अगर ये 90 डिग्री एंड दिस इज कन्वर्स ऑल्सो, इट्स कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये 90 डिग्री है, मतलब ऐसे कोई आपका एंगल 90 डिग्री है, अगर ये 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट ये डायमीटर ही होता है। अगर एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, अगर ये एंगल बाउंड्री पर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अपोजिट जो है हाइपोटेन्यूज, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये देखो ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट जो है ये ए बी, ये क्या होगा, डायमीटर। और डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर। ठीक है, डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर। तो आपको दो पॉइंट्स पता है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स तो पता ही है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, बिकॉज सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है, आपका मिड पॉइंट ऑफ दिस ए बी। अब अच्छा, सेंटर भी पता चल गया, रेडियस पता करने में क्या है, अब चाहे बीसी की लेंथ निकाल लीजिए, चाहे एसी की लेंथ, टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला से आपका सेम, आपका क्या आएगा, रेडियस आ जाएगा। रेडियस भी मिल गया, सेंटर भी मिल गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म से। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने सारा एक्सप्लेन किया है कि ये एंगल क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है, बिकॉज कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट एट राइट एंगल, दैट्स व्हाई।
तो बाय कन्वर्स ऑफ द थ्योरम दैट एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, वी कैन से ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वो हमने निकाल लिया यहाँ पर ए बाय टू बी बाय टू. तो सेंटर भी हमें पता चल गया. अब हम क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे, या तो हम उसको सी ए या फिर सी बी, क्योंकि सेंटर हमने अगर सी माना है तो. ठीक है जी, ये देख लीजिए सेंटर ऑफ द सर्कल. अब उसके बाद हमने रेडियस सी ए या सी बी सेम है उसको कैलकुलेट किया. फिर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, क्योंकि सेंटर एंड रेडियस व्हेन वी नो देन वी अप्लाई द विच फॉर्मूला? सेंटर रेडियस फॉर्म, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आपका सेंटर यानी कि एच के ए बाई टू बी बाई टू ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. और रेडियस जो है आर वो हमने ये पुट किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट आपका यहाँ से हट गया. सिंप्लीफाई किया सो यू विल गेट दिस इक्वेशन ऑफ द सर्कल. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. Find the equation of the circle with center 2, 2. Center is 2, 2 and passes through the point 4, 5. Passing point भी दिया है और ये भी दिया है, तो ये बिल्कुल वैसे ही point है, वैसे ही equation है जैसा हमने पहले किया है, जिसमें कि आपको क्या given है. देखिए यहाँ जैसे भी किया है मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ. मुझे पता है center इसका 2, 2 है, ये 2, 2 है, इसको मैंने C पॉइंट ले लिया और इसका एक पासिंग पॉइंट P पता है, वो मेरे पास है 4, 5. ठीक है, तो रेडियस R मैं निकाल लेती हूँ, वो है CP टू पॉइंट फॉर्म से. क्योंकि ना इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक रेडियस और एक सेंटर. सेंटर तो आपके पास है 2, 2, रेडियस हम निकाल लेते हैं, तो वो है आपका 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 होल स्क्वायर. टू पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस निकाल लिए. दिस इज 2 स्क्वायर यानी 4, यहाँ 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 13. तो आर आ गया. ये वैसे देखो यहाँ भी निकाला, लेकिन ये कितना लेंथी मेथड है, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है. अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आपके पास एक्स माइनस एच, एच ये h है और ये k है. तो h कितना है आपके पास? 2. k कितना है? 2. और r कितना है? रूट 13. इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी. देख लीजिए इस इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे आएगी. आप कर लीजिए, डू इट कंप्लीट योरसेल्फ. ओके, हाँ जी, आप क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए. ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. इसमें क्या है? डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड और आउटसाइड ऑन द सर्कल x² + y² = 25. आपको बोला गया है कि ये जो आपका एक सर्कल है x² + y² = 25, उस सर्कल के ये जो पॉइंट गिवन है वो आउटसाइड लाई करता है या इनसाइड लाई करता है. तो क्या है मतलब, इसमें ये एक सर्कल है, क्योंकि देखो इसमें ना x का कोफिशिएंट है ना y का कोफिशिएंट है, खाली x² + y² है. तो इसका मतलब सेंटर तो 0, 0 ही है इसका. सेंटर इसका है 0, 0, ओरिजिन ही इसका सेंटर है. ठीक है, और रेडियस अगर आप इसको कंपेयर करें इस वाली इक्वेशन से x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो रेडियस इसका 5² यानी कि 5 आ गया. ठीक है, ये 5 आ गया, ये पॉइंट है कोई. अच्छा, ये जो पॉइंट है, ये -2.5 and 3.5, वो मुझे पता करना है वो इस सर्कल के अंदर है या बाहर है. ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को तो आप मान लो पी नहीं, आर रखो, चलो. ठीक है, आप मान लो ये पॉइंट जो है चाहे वो अंदर भी हो सकता है या बाहर, आई डोंट नो वेयर दिस पॉइंट लाइज, ये पॉइंट मुझे नहीं पता कहां है. तो मैं ये ओ से इसकी डिस्टेंस निकाल लेती हूँ. अब ये देखो, अगर OP जो है वो लेस देन OR आएगा, OR का मतलब 5 यूनिट से कम आता है, तो आपका वो पॉइंट P इनसाइड द सर्कल होगा. अगर OP ग्रेटर देन OR आएगा देन दैट पॉइंट विल लाई आउटसाइड द सर्कल. तो मेन है इसमें सेंटर को ना C नाम दिया गया, तो हम सेंटर को C ही रखते हैं, O नहीं रखते, C ही नाम देते हैं. ठीक है, तो ये है C, तो हम CP कैलकुलेट कर रहे हैं, CP. ठीक है, तो CP कैलकुलेट किया हमने क्योंकि C 0, 0 है और P ये दिया है. तो अगर हम CP कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है वैल्यू इसका. ठीक है,
चलिए करते हैं इसको हम। तो हमने इसको कैलकुलेट जब किया तो ये आया, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 18.5, स्क्वायर रूट ऑफ 18.5। अच्छा आर कितना है आपका? 5 है। आर कितना है? 5 है। तो आर को आप स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी आर आपका स्क्वायर रूट 25 आ गया। और सीपी देखो, अब ये देखो कि जो आपका सीपी है, सीपी आया वो स्क्वायर रूट 18 आया। ये पॉइंट मेरा पी था, ठीक है, ये पॉइंट क्या है? पी है, आप इसको ध्यान दीजिए, ठीक, ये पॉइंट पी है। और सी से पी तक मेरा स्क्वायर रूट 18.5 आया, जबकि आर जो है आपका, आर वो क्या है? स्क्वायर रूट 25। तो विच वन इज बिगर? ऑब्वियसली विच वन इज बिगर? आपका आर इज बिगर देन सीपी, बिकॉज स्क्वायर रूट 25 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 18.5। इट मींस आर इज बिगर देन योर सीपी। आर जो है वो सीपी से बड़ा है, ठीक है, रेडियस इज बिगर देन सीपी, तो पी लाइज इनसाइड द सर्कल। अच्छा अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ कर रहे हैं सर्कल के, तो इसी में हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, देखिए फाइंड द इक्वेशन। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट हो गए जी, सर्कल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एच के टचिंग एक्स एक्सिस। अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है, जैसा कि फिगर में इट इज शोन, सेंटर तो ठीक है हमारा, सेंटर सी जो है वो एच के है, लेकिन आप रेडियस देखिए क्या बना, जितना वो वाई एक्सिस के अलोंग उसका सेंटर मूव कर रहा है, यानी कि के, तो उसका रेडियस के यूनिट्स हुआ, तो सेंटर भी पता चल गया और रेडियस भी पता चल गया। सो वी कैन इजीली राइट, क्योंकि मैंने बोला आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने के लिए दो ही चीजें चाहिए, सेंटर एंड रेडियस। अब सेंटर पता है एच के है एंड रेडियस के है, तो ठीक है इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने लिख दिया, ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। अब दूसरा आप खुद कर सकते हैं, व्हेन यू आर सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस, तो आपका रेडियस क्या आ जाएगा, यू डू इट योरसेल्फ। ठीक है जी, हाँ जी, देखिए अब आ जाइए ये इसमें, अगर सेंटर आपका एच के और आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो ठीक है, चेक कर लीजिए इसको क्या जो आपने किया वो सही है क्या। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस। अब वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 63, पासिंग पॉइंट 63 है। देखिए एक चीज देखिए, ये x एक्सिस को भी टच कर रहा है, ये y एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो इसका मतलब x एक्सिस के अलोंग भी इसने a यूनिट्स मूव किया, y एक्सिस के अलोंग भी इसने a यूनिट्स मूव किया, ऑब्वियसली इसका सेंटर a कॉमा a हो गया। ठीक है, तो सेंटर h के हमें पता चल गया a, और रेडियस इसका कितना है, a है। ठीक है, अब सेंटर भी पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया, तो ठीक है, जब सेंटर और रेडियस हमें पता चल गया तो आप उसकी इक्वेशन क्या होती है, वैसे आपको पता ही है इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब आपको पता है कि h भी आपका a है, k भी आपका a है और r भी आपका a ही है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है, ये देखिए ये वाली इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इसमें आपको ये बोला गया है कि ये पास कर रहा है, ये सर्कल जो है इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 63, यानी यहां पर कोई पॉइंट है 63, तो ये 63 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, यानी आप x की जगह 6 एंड y की जगह 3 पुट कर सकते हैं इसमें, आप x की जगह 6 y की जगह 3 पुट करिए इसको और इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास, इसमें ये a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये a की जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ओके, हाँ जी, ये देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ, ये जो हम सॉल्व कर रहे थे a की टर्म्स में, तो ये आपके पास a की दो वैल्यूज आई है 3 और 15, तो आपके पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स बनेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस एंड हूज सेंटर इज दिस। सेंटर दिया हुआ है, सेंटर दिया है, रेडियस नहीं दिया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझो हमें क्या बोला है, कि जो ये दो लाइंस दी है ना,
ये वाली दो लाइंस दी हैं आपको, ठीक है, एक मिनट। ये दो लाइंस दी हैं, ये जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपका सर्कल उसी पॉइंट से पास कर रहा है। यानी एक तरीके से आपको सर्कल का पासिंग पॉइंट गिवन है, बट नॉट डायरेक्टली, दैट इज गिवन इनडायरेक्टली। और आपको सर्कल का सेंटर भी दिया हुआ है। सर्कल का सेंटर जो दिया है वो मान लो सी है, और ये पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्कल का सेंटर दिया है 2, -3, ठीक है। तो आप पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एलिमिनेशन मेथड से निकाल लीजिए। चलिए अब मैं इसको सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखा 3x -2y -1=0, और दूसरी इक्वेशन है 4, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 4 2 8x -+2y एंड दिस इज -54 -54=0। तो ये कैंसिल हो गया, दिस इज 11 एंड दिस इज -55। 11x -55=0, x5 आ गया आपका, ठीक है जी। x5 आया है तो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 3 × 5 55 sorry 15 -2y -1=0। तो 15 -1 14 = 2y, तो y आ गया 7। तो आपका जो पासिंग पॉइंट P पॉइंट आया, x5 आया, y7 आया, और रेडियस क्या है, CP = CP। ये P पॉइंट अभी हमारा आ गया 5 7, ठीक है। तो CP रेडियस जो है 5 - 2 3 का स्क्वायर, 7 - -3 यानी कि 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 109, √109 आया है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है इसमें। इन्होंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकाला है, कैसे निकाला, लेट अस सी इट, ठीक है। ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x5 y7 ही आया है, ठीक है। अब आप उसके बाद सेंटर भी आ गया आपके पास, देखो सेंटर भी है अब आपके पास एंड रेडियस भी है। सेंटर कितना है, 2, -3, रेडियस √2। तो ये आपका h, k भी आ गया, यानी कि सेंटर। तो सेंटर रेडियस फॉर्म x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r² के मेथड से इसको आप पुट कीजिए, आपका आंसर इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। हाँ जी, ये देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को फिर आगे कैसे किया, इसकी कैलकुलेशन, √109 इसका रेडियस आ गया था, और ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 1 2 -1 एंड 3 -2। आल्सो फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या बोला है आपको, तीन आपके पास पासिंग पॉइंट ऑन द सर्कल ऑफ द सर्कल है। एक सर्कल है आपका, उसके तीन पासिंग पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, एक तो दिया है आपको 1 1, दूसरा दिया है 2 -1, तीसरा है 3 - 2, ठीक है जी। ये तीन पॉइंट है आपके पास, तीन पॉइंट है। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता करनी है। जबकि देखो हमें क्या चाहिए होता है, एक सेंटर चाहिए होता है हमें तो, और एक रेडियस। अब हमें सेंटर और रेडियस दोनों ही नहीं दिए, और बोला कि फाइंड आउट करो, और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करो। तो हमने मान लिया कि उसका सेंटर जो है वो एच के है और रेडियस उसका आर है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वी नो दैट x - h होल स्क्वायर + y - k होल स्क्वायर = r² इसको सिंप्लीफाई किया, x² + h² - 2xh - 2ky + h² + k² = r², ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी। नाउ दिस सर्कल हैज द पासिंग पॉइंट 1 1। तो हमने x की जगह 1 एंड y की जगह 1, क्योंकि ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 1, y की जगह 1 पुट किया, देन यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपके पास आ गई। अब लेकिन ये एक तो नहीं था, एक और भी है हमारे पास, ठीक है। आपने x, आप दूसरे कौन सी है आपका 2 - 1, आप x की जगह 2, y की जगह -1 पुट कीजिए, एक और इक्वेशन आ गई आपके पास। सॉरी, x की जगह 2, y की जगह -1 पुट करके एक और इक्वेशन आ जाती है। यानी आपने ये तीनों पॉइंट्स पुट करके तीन इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगे, किसकी टर्म्स में, x² k² r² ठीक है। कौन कौन सी इक्वेशन आपके पास ये आई है,
टू थ्री और एक फोर आएगी। अब इन्हीं को टू को थ्री से, थ्री को फोर से और टू को फोर से आप सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद आपकी दो इक्वेशंस एच के में आ जाएंगी। हाँ जी, देखिए तो ये फोर्थ इक्वेशन भी हमारी आ गई थी, ठीक है। तीन पॉइंट्स पुट करके इक्वेशन नंबर टू थ्री फोर आई। पहले टू और थ्री को आपस में सब्ट्रैक्ट किया, एच और के में एक इक्वेशन आ गई। फिर थ्री और फोर को हमने किया, ठीक है, आपस में, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सिक्स आ गई। ये दोनों किस में है, एच और के में है, तो इन दोनों को आप इक्वेशन फाइव और सिक्स को आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आपकी जो है वो एच और के की वैल्यूज दे देंगी। एच और के यानी कि सेंटर मिल गया आपको, सेंटर मिल गया। आप रेडियस तो किसी से भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं इस वाली इक्वेशन से आप लें। जैसे कि अब आपके पास ये देखो, यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ पर एच के क्या आया है, 13/2, 13/2 एंड 5/2, ठीक है। और एक पॉइंट पी मान लो आपका वन वन दिया हुआ था ना, वन वन एक पॉइंट था, तो आर आपका किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, टू पॉइंट फॉर्म से आर आपका आ जाएगा। अगर आपने वैसे नहीं करना तो आप इक्वेशन थ्री में या फोर में या फाइव में, थ्री या फोर में या टू में, किसी में भी पुट कर दीजिए, आप जो एच और के की वैल्यू आई है तब भी आपकी वैल्यू आर की आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर किया है। तो एच के भी आ गया, आर भी आ गया, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है क्या है, एच माइनस के होल स्क्वायर प्लस वाई वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर में ये वैल्यूज पुट करके यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ योर सर्कल। हाँ जी, ये देखिए, ये एक मिनट, यहाँ ये कैसे किया हुआ है देख लीजिए। यहाँ पर इक्वेशन आपकी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली इक्वेशन सॉल्व करके ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव है वो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल। ये क्या मतलब हुआ जी, कंसेंट्रिक विद द सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस पॉइंट सर्कल। देखो क्या दिया है कि आपका जो सर्कल है वो इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है, इसका मतलब है दोनों का सेंटर सेम है। कंसेंट्रिक का मतलब यानी इस सर्कल का सेंटर निकालेंगे तो हमें, मान लो एक मिनट, हम एक काम करते हैं, ये हो गया, ये रेड वाला सर्कल मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है और ब्लैक वाला सर्कल जो है उसके साथ कंसेंट्रिक है, यानी रेड सर्कल जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर वही है जो ब्लैक वाले सर्कल का है। और अब इसके बाद मेरा सर्कल जो है रेड वाला, उसका जो पासिंग पॉइंट है वो ये जो ब्लू वाला सर्कल है उसका सेंटर है। ब्लू वाला सर्कल जो है उसका जो सेंटर है, मेरा जो सर्कल रेड वाला सर्कल है दैट इज पासिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ दिस ब्लू सर्कल। यानी कि अगर मैं ब्लैक वाला सर्कल है उसका सेंटर निकाल लूंगी, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो ब्लैक वाला सर्कल है इसका मैं सेंटर निकाल लूंगी, इट मींस मे रिक्वायर्ड सर्कल रेड सर्कल का सेंटर निकल जाएगा, एच के निकल जाएगा। और ब्लू वाला जो सर्कल है वो ये वाला सर्कल है, ब्लू वाला सर्कल जो है उसका सेंटर मैं फाइंड आउट कर लेती हूं तो मेरा सर्कल का पासिंग पॉइंट निकल जाएगा। अब रेड, अब इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल के मेरा आर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है, फिर भी आप देख लीजिए। इसमें पहला सर्कल जो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई फोर सॉरी ये क्या है, माइनस फोर एक्स है, सॉरी माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई, ये माइनस फोर एक्स था, ठीक है। तो ये यहाँ माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो मुझे सेंटर चाहिए तो मेरा सेंटर जो आ जाएगा इसका, आपको बताया था कि सेंटर जो होता है वो आपका माइनस जी माइनस एफ होता है। मैं एक्स का कॉफिशियंट माइनस फोर, उसका साइन चेंज करो प्लस फोर, फिर हाफ कर दो। फिर वाई का कॉफिशियंट माइनस सिक्स,
साइन चेंज करो, प्लस सिक्स हाफ कर दो तो थ्री बन गया। तो मेरा जो ब्लैक वाला सर्कल है उसका मुझे एच के सेंटर मिल गया, ब्लैक वाले सर्कल का वो है 2.3, यानी मेरे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर मुझे मिल गया 2.3। अब जो ब्लू सर्कल है, वो ब्लू सर्कल जो है आपका, वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका सेंटर जो है वो कितना आएगा, सेंटर ऑफ दिस सर्कल, सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज इक्वल टू, देखो x का कोफिशिएंट 8, साइन चेंज करो माइनस 8, उसका हाफ करो माइनस 4, ऐसे ही है। y का कोफिशिएंट 10, उसका हाफ, उसका साइन चेंज करो माइनस 10, हाफ करो 5, माइनस 5, ठीक है, माइनस 4 माइनस 5। तो ये तो C पॉइंट था और ये P पॉइंट है, तो C पॉइंट ये आ गया पॉइंट C और ये हो गया पॉइंट P। तो अब आप CP निकाल लीजिए तो रेडियस निकल आएगा, CP इज इक्वल टू R, आपका है 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 6 का स्क्वायर, फिर 3 प्लस 5 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 36 प्लस 64 100, जिसका स्क्वायर रूट होता है 10, यानी ये रेडियस आपका आ गया 10, ठीक है जी। तो आपको सेंटर भी मिल गया जो कि आपका है 2.3, सेंटर क्या है आपका, ये 2.3 आपका सेंटर है और रेडियस आपके पास 10 है। तो अब आप इसको x सेंटर एंड रेडियस फॉर्म x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के मेथड से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें कैसे किया है। देखिए सेंटर 2.3 आया ना, यहाँ पर देखिए सेंटर 2.3 ही हमने निकाला है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर रेडियस, अभी देखते हैं आगे क्या निकलता है। रेडियस 10 निकलना चाहिए, सेंटर आपका 2.3 आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। हाँ जी देख लीजिए आप, यहाँ पर पासिंग पॉइंट माइनस 4 माइनस 5 आया है और हमने यहाँ पर इसका रेडियस भी निकाल लिया है। फिर आप इक्वेशन ऑफ सर्कल आप वैसे ही करना, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के मेथड से ही करना, मतलब ये आएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, h k सेंटर यानी कि आपका जो था वो 2.3 था और r आपका क्या था, ये 2.3 है और रेडियस आपका 10 आया था। पुट दिस वैल्यूज हियर इन दिस इक्वेशन एंड गेट द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल रिक्वायर्ड, ये आपके पास यही आनी चाहिए, कर दीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंगली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड ऑफ डबल ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, बोला है हमारे सर्कल का सेंटर वही है जो इसका, क्योंकि कंसेंट्रिक बोल दिया, कंसेंट्रिक का मतलब यही होता है कि सेंटर सेम है। तो सेंटर देखो x का, अब सेंटर निकाल लेते हैं, मतलब सेंटर वही, इसका मतलब देखो इसका x का कोफिशिएंट माइनस 6, साइन चेंज कर दो तो प्लस 6, हाफ कर दो तो 3, y का कोफिशिएंट 12, साइन चेंज करो माइनस 12, हाफ करो तो माइनस 6, तो सेंटर तो पता चल गया हमें 3 माइनस 6, आप यहाँ पर देख भी लीजिए यही है। अब इसके बाद रेडियस, रेडियस क्या होता है, अब कांस्टेंट कितना है यहाँ पर, c कितना है देख लो, c यहाँ पर देख लीजिए पहले ही 15 दिया हुआ है c। अच्छा अभी रेडियस जो होता है वो होता है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कह लो, चाहे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस c। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 15, ठीक है जी, ये कितना था 45 माइनस 15, सो व्हाट इज दिस, 30 स्क्वायर रूट 30। लेकिन इसने बोला है ये तो रेडियस इस सर्कल का आया ना, लेकिन हमें बोला है कि हमारा जो सर्कल है सेंटर ऑफ आवर सर्कल, सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल, रेडियस जो हमें सर्कल चाहिए उसका, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, यानी 2 टाइम्स 30। तो अब हमारे पास रेडियस आ गया हमारे सर्कल का, सेंटर भी है,
तो इक्वेशन ऑफ आर सर्कल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि हमारे सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है. पुट दिस वैल्यूज एंड गेट द आंसर. देखते हैं क्या आया है इसका आंसर. हाँ जी देख लीजिए, ये इसका इक्वेशन ये बनेगा आपका. ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट, अभी एक और क्वेश्चन देखिए आगे. ये है अ सर्कल हैविंग द रेडियस 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस बोथ द एक्सिस. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर एट 6 5 एंड टचिंग द गिवन सर्कल एक्सटर्नली. देखो फिगर में वैसे तो क्लियरली दिख रहा है क्या है क्वेश्चन, कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 2 2 है और वो क्या टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है जी, एक्सिस को टच कर रहा है दोनों को. और अभी हमने एक पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें मैंने क्लियर किया था कि अगर एक्सिस को टच करता है ठीक है तो जितना रेडियस होगा आपका सेंटर भी उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी वही होंगे. ठीक है तो 2 2 अगर रेडियस 2 है तो ये भी 2 2 हो गया. अच्छा नाउ वन मोर सर्कल इज गिवन हूज इक्वेशन आई हैव टू फाइंड आउट. And it is given that this circle has the center 6 5, okay? And it is touching this smaller circle at this point P externally. तो अब देखो जो मुझे सर्कल का इक्वेशन चाहिए बिगर सर्कल का, उसका मुझे सेंटर तो पता है 6 5, बस रेडियस नहीं पता. और अगर मुझे P पॉइंट पता चल जाता है then I can easily find out the radius also CP, C dash P, sorry, and then I can find out the equation of that circle also. ठीक है, इसमें हमने सी सी डैश निकालना है. अब ये देखिए जरा सी, सबसे पहले सी सी डैश क्योंकि मुझे ना सी सी डैश तो पता है. कैसे कैसे पता है, क्योंकि सी पॉइंट भी पता है और सी डैश भी पता है. तो सी सी डैश कैसे आएगा, सी टू पी प्लस पी टू सी डैश. ठीक है तो सी सी डैश तो पता कर सकते हैं कि बोथ द पॉइंट्स हैव बीन गिवन और सीपी भी मुझे पता है रेडियस है सी से पी स्मॉलर सर्कल का, दैट रेडियस इज 2. सो आई कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल द बिगर सर्कल डायरेक्टली सी डैश पी, उसका मैंने डायरेक्ट पता कर लिया सी डैश पी मेरा कितना आया है 3 units. तो अब मेरे बिगर सर्कल का सेंटर मुझे पता है 6 5 है और रेडियस 3 units है, सो आई कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल ऑल्सो. So it is also done. ये देखने में कितना मुश्किल लग रहा था लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये कितना इजी क्वेश्चन है. हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कर्व्स ऑफ इंटरसेप्ट्स 3 and 4. ऐसे क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसमें ए बी करके किया हुआ था, ये वैसे ही उसका एप्लीकेशन है. आप कह लीजिए तो इसमें सेंटर सी कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ए ओ बी है ये आपका क्या है 90 degree है, ये प्रूफ किया था हमने. इस वजह से ए बी क्या हो गया, डायमीटर हो गया. ए बी डायमीटर है तो सी मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज द सेंटर, जो कि मिड पॉइंट 3/2, 4 का हाफ यानी 3/2, 2 इसका सेंटर आ जाएगा. रेडियस आप चाहे सी ए निकाल लीजिए चाहे सी बी निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए आपका सेम आएगा. आप देख लीजिए तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इसके बाद सेंटर भी आ गया रेडियस भी आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल आप सेंटर रेडियस फॉर्म से आप लिख सकते हैं, ये आ गया. ठीक है जी, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. एंड एक और इक्वेशन, एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें दिया है कि द लाइन 2x-3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x-4y इज इक्वल टू 7 आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल and the area of the circle is given y 154 square units and you are to find out the equation of the circle. देखो मुझे बोला गया है कि ये दो lines जो हैं वो diameter हैं circle की, और diameter का जो point of intersection होता है वो क्या होता है center, क्योंकि मुझे equation of circle चाहिए तो मुझे एक तो center चाहिए और एक radius चाहिए. तो center तो मैं easily निकाल सकती हूँ, इन दो lines को मैं simplify करती हूँ. ठीक है, मैं इस equation को किससे multiply करूँ, इसको कर रही हूँ मैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 6x-9y 3 5 15, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. 6x 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8y, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, -y इज इक्वल टू 1 तो y आ गया -1. y को यहाँ पुट कर दो चाहे सेकेंड इक्वेशन में जहां मर्जी पुट कर दो, 2x-3 into -1 is equal to 5. तो 2x
इज इक्वल टू 5 - 3 2, तो एक्स आ गया 1. तो आपका सेंटर आ गया, सेंटर ऑफ माई सर्कल दैट इज इक्वल टू एच के, दैट इज इक्वल टू एक्स, ये 1 - 1, ठीक है, 1, -1. अब रेडियस निकालना है, रेडियस मैं यहां से निकालती हूँ. मुझे पता है एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो मुझे दिया हुआ है वैसे कितना 154, और एरिया ऑफ सर्कल तो होता है पाई आर स्क्वायर, 154. फॉर माई कन्वीनियंस आइडियल वैल्यू जो मेरी पाई की यहाँ पर रहेगी वो रहेगी, मैं के पाई को 22/7 पुट कर देती हूँ. तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 × 7/22, ठीक है, ये 11 2s और ये 2 7s 7 आर आपका 7 आ गया. अब आपके पास आर भी है और एच के भी है, सो यू कैन फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h² + y - k² = r². अब इसको यूज करके आप इक्वेशन ऑफ सर्कल वैल्यूज पुट करो एच के की और आर की, यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल योर सेल्फ, डू इट कंप्लीट योर सेल्फ. ओके, तो अब हम यहां पर तो आप सिंप्लीफाई करके इसको वैल्यूज पुट करके आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी x² + y² - 2x + 2y = 47. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, दिस इज अ प्रैक्टिस टाइम नाउ. ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस नोट कीजिए, मैंने इनके आंसर्स भी साथ में दिए हुए हैं, आप इन इनको देखते रहिए, क्वेश्चंस को करिए, आंसर्स वेरीफाई कीजिए. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, इन 7 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं यहाँ पर, सेकंड, फिर थर्ड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0 a 0 एंड 0 b, और फिर है क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हैं, कैसे करना है देखिए इसको. एंड नेक्स्ट 5th इज शो दैट द पॉइंट्स 5 5 6 4 -2 4 एंड 7 1 आर कंसाइक्लिक एंड फाइंड द इट्स इक्वेशन सेंटर एंड रेडियस. तो इसमें ना आप पहले सेंड आप 3 पॉइंट से एक इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेना, और चौथा जो आपको 4th पॉइंट गिवन है ना, यू पुट दैट पॉइंट इन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यू विल ऑब्टेन बाय विद द हेल्प ऑफ दिस 3 पॉइंट्स, और वो उसको सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, ये आपका 6th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 1 2 2 एंड हूज रेडियस इज 1. And last 7th question, a circle passes through the origin and the point 5/2, 1/2 and has 2y - 3x = 0 as the diameter. Diameter का मतलब center इसी पर lie करता है आपका HK. Find its equation. Try all these questions yourself and practice more questions. So this step, this topic, circle is now done.